राजस्थान के करौली जिले से 45 किलोमीटर दूर चंबल नदी, यह नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश को जोड़ने का एक साधन है, लेकिन इस नदी पर काफी वर्षों से पुल नहीं होने की वजह से दोनों राज्य के व्यक्तियों को आपसी सामाजिक संबंध व व्यवहार बनाने में काफी समस्याएं आ रही हैं। पहले स्लीपरों का पुल बनता था, इन साल वो भी नहीं बनाए। ये अपनी मनमर्जी से डालती है और मनमर्जी से निकालती है, और यहाँ पे यात्रियों के लिए इतनी असुविधा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसी कोई साल नहीं है जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 दुर्घटना न हो। हमारी राज्य सरकार व एमपी सरकार को ये सोचना चाहिए कि यह नदी ऐसी नदी है कि यहाँ के व्यक्तियों को रोजगार व व्यापार से संबंधित सारी समस्याओं की परेशानी आती है, तो इस नदी पर पुल होना तो बहुत जरूरी है। आयात निर्यात सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। टू व्हीलर गाड़ियाँ निकलती हैं उसका भी 50 रुपये लेते हैं, फोर व्हीलर निकलती है उसका 400 लेते हैं, उधर से भी निकलते हैं तब भी 400 रहता है। ठेकेदार अवैध वसूली करती है, पब्लिक को लूटती है। हमेशा सरकार घोषणाएं करती है कि इस साल बनवाएंगे, इस साल बनवाएंगे, वर्षों से ये नदी बिना पुल के ही चल रही है। इससे यहाँ के लोगों को काफी समस्याएं आ रही है। चंबल में चढ़ाने में परेशानी, उतारने में गाड़ी की परेशानी, स्लीपर से उतारते तो गाड़ी का हाथ नहीं टूट, स्लीपर टूट जाए, नदी में चली जाए, चंबल में चली जाए, गाड़ी लेके भी जाना पड़ता है, पैदल भी जाना पड़ता है, 1-2 घंटे हो जाते हैं यहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि इस नदी के पुल के लिए तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।